ही सुमिरते सिद्धि होई, अगन नायक करी वर बदन, अकरहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, अमु को ही बचाले पंगु चढ़ाई गिरी बर गहन, अजासु कृपा सदयाले द्रव सकल कली मल दहन, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, अमह मोह जासु बचन रवि करनी कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कल अनुभव किए कि सच्ची चालाकी भगवान की भक्ति है। ठीक ने, जो कि वेद पुराण गाते हैं और काग भुसुंडी जी उसे पाते, तो लगन रही तब ने, तो लगन में कम से कम यह तीन थे बा कंपोनेंट घटक, सोच कर्म और वाणी, तीन से न लीला होता। तो पहले मौन तो दे, लगन किसको से लगाई दे, तीन से तो साधन बा, या तो तीनों के छोक दे, लेकिन तीन से तुरंत कहाँ छोक देवे। सबसे पहले मौन तो दे निषाद राज भाई, गणेश जी, तो मन अगर दे दिए तो मन अहंकार कामना क्रोध घमंड जलन ममता मोह कपट दंभ पाखंड झूठ धोखा चोरी ठगी, फिर किसी का गुलामी न करने का अधिकार। अगर इन सब की गुलामी कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप मन से सेवक नहीं है, और स्थिति है कि आप ही लोगों के लिए बात नहीं है, आप लोग तो काफी हद तक पहुंच गए हैं। जो भी व्यक्ति इस शरीर से कभी मिला नहीं, धरती पर एक व्यक्ति नहीं है जो मन से भगवान का सेवक हो, नहीं, वही शरणागत भाव एक को दिखाता है। ठीक ने, तो अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव, अजेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पाव।
अविरल माने प्रगाढ़, समझे, अथाह और विशुद्ध। विशुद्ध का अर्थ है अनन्य और निष्काम, दोनों में कोनो कामना। सकाम भक्ति तो कुल राक्षस को रहता है, नहीं दरिद्रन की तरह दे दे भैया दे, नहीं हाँ ठीक ना भाई। हाँ, और वो भगवानों से झूठ बोला ले कि दे दे बे तो प्रभु सेवा कर रहा, और बाद में वही के लगी है, लड़का हुआ वह नौकरी दिवा वह तमाम प्रकार से। हाँ तो निष्काम, और निष्काम भक्ति तब होगी जब निष्काम सेवा देंगे, यही ना। निष्काम सेवा देने के बाद जो कर्म हुआ सब तुरंत के तुरंत प्रभु को समर्पित, उसमें थोड़ा भी चित्त में भी न रह जाए कि मैंने कुछ किया, इसका भाव भी न रह जाए। यह भक्ति चारों वेद और 18 पुराण गाते हैं, जिसे योगियों के ईश्वर, योगियों के ईश्वर जो मुनि हैं वे खोजते रहते, लेकिन यह श्री राम जी के कृपा से ही किसी बिरले जीव को ही प्राप्त होता। गणेश जी देख ले, तो वही प्रभु से मांगे। श्री काकभुसुंडी जी कहें कि प्रभु यह दे, तब न कुल गरुड़ जी के समझाएबा है, नहीं तो मुसहर राजा की का समझाई। हाँ तो बैठ गया का मतलब कि बस कुछ नहीं, फिर ना हम ना हमार। तो देखे कि सबसे जो कोई चालाक बनना चाहे तो सबसे बड़ी चालाकी यही, इसके नीचे का कुल ठगी है, बेवकूफी है, उसको चालाकी। अब वो देखा मिला तब बने स्थिरता बा कि कुछो कहत है कि कोनो प्रयोजन बा इनको। ठीक ने, ते सब कुछ तो दे दिए और कहे कि माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हहीं तो ही अजान सुब्रह्मयनादि अज अगुण गुना कर मोही। अब माया से उत्पन्न सब भ्रम तुझको नहीं व्यापे। ठीक ने, माने रूप रस गंध स्पर्श और वाणी या तो धन वंश चेला नाम पूजा प्रतिष्ठा की कामना, मुक्ति की कामना, वैकुंठ की कामना, स्वर्ग की कामना, इसका चित्त में बिल्कुल स्थान, सच्चा सेवक की पहचान। अपन अपन बुद्धि टटोल ले,
मन के टटोल ल बुद्धि से, तो वह बुद्धि टटोल सकला जेकर जो है बुद्धि पवित्र होएगा हुई। ये न भाई तो निश्चित बा सरजू भाई कि अगर सेवक भाव बा तो मन के अंदर इच्छा नाम का जगह न रहे, ठीक न? दर्शन का भी इच्छा नहीं, प्रभु का कृपा हो तो दैया न हो तो अपन धाम में अब जा मिलो, लेकिन इतना बा अनुभव बा कि पक्का होते वो हृदय में चतुर्भुज रूप प्रकट हो जाला, समझले? अब देखो तो कि 65 साल से श्री राम चरितमानस के साधना करे बा, झूठे साज जैसे भी आल हो सही, लेकिन भाव से ठीक न। और यो पता लग गया कि भक्त मुझे निरंतर प्रिय, एक क्षण के लिए भी अप्रिय होने का जगह धरती पर कोई भी हो निरंतर आपको कभी प्रिय नहीं हो सकता, देख ले ने? पक्की पक्की बात बा। लेकिन प्रभु के लिए जो भक्त है वहां एक क्षण के लिए भी अप्रिय होना का जगह, और सेवक उनको प्राण के समान प्रिय, ठीक न? कल्याण हुआ बिराजो, बात समझ में आया? पंचम भाई ओके निकाल के थोड़ा रखते हैं, और थोड़ा नमक के डिबिया वहां से लेते हैं, ठीक न? अब तो वो व्यक्ति बेवकूफ होई जे अपने मन में इखे इच्छा लेके आवे और इखे दर्शन का भी कामना रखे नहीं। जब प्रभु का सीधा सीधा खुलासा बा कि मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग अकाय बचन मन मम पद करे सुअचली अनुराग। यह का सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय, ऐसा विचार कर शरीर बॉडी और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। गिलासो लेते हैं एक बार, ठीक ना? का जोन बात सही सही तो सुनाई तो सुनावे दे, उमे का बा सूरती सुनाता और का। अब बिच्चे में गला सूखा तो उजरी से अगर पानी पीबे नहीं तो खड़खड़ सुनाई गिलास रही तो आसानी से न हो जाई। जवान अवस्था हो नमकीन चाय लेते हैं तो वो पता रहे सबके, ये कोनो बाबा बीबी थोड़ो बा, ये बेन कुछ नहीं बा, भूल जा, ठीक ने? खराब लगा ला जब सुना लेते नहीं लगा सुने सरजू भाई। गणेश जी सुनत सुनत एक बार खो गए जाने, तब से मोबाइल में पुलिस की, हाँ गणेश जी, तब से इनका जज के, हाँ गुरु, तो फिर सोचे नरे तो सुनत आई जाने। हर एक चीज का बड़ा प्रभाव आ,
हाँ तो जब ये बात पक्का, अच्छा बताओ, एक को बताओ कि जे हमेशा प्रेम करे हुआ, कभी जच की जच का ना भाव हो, ऐसा तो बा नहीं। और प्रभु के बिराजो, बस बैठो। और प्रभु के स्थिति बा कि वो अपने सेवकन के एक को क्षण बदे छोड़ते हैं नहीं, तो फिर ओ प्रेम बदे लगबे कि लालच वाले प्रेम में कब तक मरवे को पंचम भाई? कुल प्रेम तो कुल लालच से करता है ने, ये ने। तो देखिए श्री राम जी है बात काक भुसुंडी जी से कह रहे हैं, जिनका नाश कभी नहीं होता। ऐसा विचार कर मन बाणी और शरीर तीनों से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। प्रभु का प्रेरणा बा, देखो बहुत सारी व्यवस्था बा जौन की मनई के बुद्धि के बहरे बा नहीं, फिर भी अब जब प्रभु का इतना बड़ा प्रेरणा बा कि वो प्रारब्ध है बा, जन्म से लेके सब चला बा इसे, अब स्थिति बा रवि शंकर के जीव और प्रकाश के जीव, वो पूरा जो है पवित्र होकर के प्रभु से जाके मिलगा बा। जे रवि शंकर के प्रेम करे हुए, प्रकाश के प्रेम करे हुए, ठीक ने, और वो ऐसा ही बात अब मिल गया बात, तो फिर जहां मिला बात जहां बाय वो ऐसा से न बती दे कि यहाँ बाय मिर्जापुर में लगभग बात करे, ये ऐसा से बात करबे ने, जहां बाय वो ऐसा से बात होता। तो अगर इतना बुद्धि हो जने, तो मन बाणी और कर्म से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना, ठीक ने। और जितने लोगों के साथ यह शरीर जुड़ा रहा धरती पर, सबकी आत्मा को अंदर रख लिए, शरीर भले से छूट गया लेकिन किसी के जीव को कोई जो है देखिए चरित्र कोई जान करके किसी के मन को ठेस लगेगा नहीं ना? हाँ तो यही है कि जो अटल प्रेम कर लेगा वह परम धाम का अधिकारी, संसार में कोई कितना भी कपट डालना चाहे लेकिन थोड़ा भी चित्त को प्रभावित, ठीक ना। तो आप लोग अनुभव किए कि यह सभी प्रभु के माया के ही द्वारा उत्पन्न किए गए, और जो भी चर अचर जीव है सब उनको प्रिय है, और जो भी उत्पन्न किए गए हैं प्रकृति के संतुलन के लिए ही, तो बिना अपराध के किसी जीव को अगर कष्ट दे रहे हैं तो यह अनुचित है नहीं। इसीलिए अहिंसा जो है मनुष्य जीवन का जो धर्म होता है उस धर्म का यह आधार है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, यानी विचार कर्म और वाणी के द्वारा किसी निरापराध जीव को कष्ट न, यह आधार है। इस आधार से मनुष्य का जीवन शुरू होता है, और स्थिति यह है कि धरती पर एक मनुष्य तक इस आधार को रखने में समर्थ, जो कि जड़ चेतन सबका कल्याण सिर्फ सोचे
बोलने और करने की बात तो अलग रही, विचार करके देख लीजिए, क्योंकि ठगी इस समय पूरा व्याप्त हो चुका है, यही ने समझे। ठीक, और प्रभु का तो सीधा सीधा व्यवस्था है, वो तो एकदम सरल है उनसे मिलना। उनकी दया सब पर बराबर है, उनके लिए कोई अपना और पराया तो संत के लिए भी कोई अपना और पराया नहीं होना। क्योंकि कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाय सब पर मोही बराबरी दाया। जितने भी चराचर जीव हैं, यह संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है, यानी मेरा ही पैदा किया हुआ है। नहीं आत्मा न रहे दूठे एक मोरल मेहरारू और आदमी के रक्त साथे तो बच्चा पैदा हो जाए, एक मोरल मेहरारू और आदमी के एक के कमरा में रख दे तो बच्चा पैदा हो जाए। तो यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया। अब इनमें अगर कोई कहे तू हमें नहीं मानते उन्हें मानो ले, ते अब भाई कोई कुछो सोचे लेकिन अब कहो कि अब यहां से भेद पैदा हो जाए, अपन और पराया का भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाए, तब वो संभव नहीं। गणेश जी समझ लेना है, यहां अपन और पराया के कोनो भेद नहीं बा, और ये बात कोई कहे का अब अधिकार नहीं। तो साफ साफ देखो तन्नी सा बुद्धि हो तो बस यही से समझ ले कि तीन मह जो परी हरि मद माया भजे मोहि मने बचय रुकाया। तो पुरुष नपुंसक नारी वा अजीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी अमोहि परम प्रिय सोई। सरजू भाई सब पर मेरी बराबर दया आप लोग अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि बात परम धाम से हो रही है। अब यहां पर कोई घर और मायका ससुराल कुछ जगह बात वहां से हो रही है, ठीक ना। तो सब पर मेरी बराबर दया है, कम बेसी नहीं है, फिर भी इनमें से जो मद मोह और माया, मद मोह और माया, ठीक ना, तीनों को छोड़कर मन वचन और शरीर के द्वारा सिर्फ मुझको भजता है, वह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे नपुंसक हो हिजड़ा भी, ठीक ना, हाँ, चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय। तो मद मोह माया, माया का त्याग कर अर्थ क्या बा कि उनमें आसक्ति ना हो, निष्काम सेवा के अलावा कोनो आसक्ति
न हो। जे भी धरती पर बुद्धिमान हुई अपन ये तीन ठे घास निकाल ले, तीन ठे घास के बराबर के जगह बा मद घमंड मोह और माया, ये तीनों के जगह कितना बा? तीन घास के बराबर बा। देखो सब दिन जीवन भर किसानी करे बा, तीन ठे घास निरा के दिखाओ, कहे कि प्रभु श्री राम जी के बाड़ी बा कि कृषि निरा वही चतुर किसान अजिमी बुध तजही मोह मद माना। तीन ठे घास निराओ के ताकत नहीं बा, कहीं हम गुरु है, शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, महंत है, परमहंस है, कबीर है, कुछ नहीं है। तू लालच के भाड़े का नौकर है, कामना का नौकर है, बाकी कुछ है? और इतना नहीं, नौकर तो बाय और साथ में भगवान शिव जी के विरोधी बाय है, उद्धा बुद्धा शुद्धा सौ। अगर किसी चरित्र से नया संप्रदाय और नया पंथ निकल जाए तो उससे बड़ा निकृष्ट जीव कोई धरती पर नहीं है। अरे क्या है, प्रकृति है, परमात्मा है, सब प्रकृति के ही तो बने हैं, बस सबके मन की अवस्था अलग अलग है। तो जिसका पवित्र हो जाए वो दूसरे को पवित्र कर दे, ठीक ना। अबे मैं कहां गुरु कहां चेला है, या तो उस अवस्था में रहिए। अब जैसे अब आप लोगों के अंदर पवित्र भाव बैठ जाए तो वहां पर तो भाई कुछ नहीं कर सकते। जैसे इसी स्वरूप के लिए अब महाभ्रम दूर हो रहा, पवित्र भाव बैठ गया कि भाई सज्जनता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कहिए कि अब शरीर का फोटो या मूर्ति बनवा के पूजा करें तो एकदम सीधे हाथ जोड़ के मना कर देंगे, कैसा भूल के मत करिए। याने हाँ, यही से सूरती फूर्ती फूल खाते हैं, देखो नहीं रहा है भगवान सूरती कहाँ खा ले, क्योंकि परमात्मा में भ्रम पैदा न हो, ठीक ना। हाँ बात पकड़ में यार, और ज्यादा खुल के अब और न कहो, इतने से समझ जात जाए। यह कि पर उपकार बचन मन काया असंत सहज सुभाव खगराया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के प्रेरणा बा ऐसे संत का चरित्र हो रहा बा। तो यहाँ ही नीति बा कि विचार कर और बाड़ी तीनों से जौने प्रकार से सबकर परम कल्याण हो, वो कर्म ये शरीर से हो सका नीति बा। समझे ने, अभी कहो कि रोटी बदे हो जाए तो ये संभव नहीं बा, एक सिक्का बदे हो जाए कर्म तो ये संभव नहीं बा, यानी एक चेला बनावे का नीति नहीं बा। तो सब सिद्धांत समझ गए नहीं, यह चर्चा चल रही है, बता रहे हैं कि हमको मोह कैसे हुआ और मोह कितना नचाए बा, नहीं वही चर्चा बा ना। प्रभु श्री राम जी अब अपने भक्तों से झूठ बोलेंगे, वहां तो झूठ का कहीं जगह ही नहीं है, झूठ है ही नहीं, झूठ वे सत्य के समुंदर यानी सत्य नारायण है। शिव जी सत्य है और वे क्या है, तो चाहे बूंद हो चाहे समुद्र हो, उनमें अंतर यही से शिव जी और श्री राम जी में कौनो अंतर
ठीक ना। तो कहते हैं प्रभु श्री राम जी कि सत्य कहूं खग तो ही अशुचि सेवक मम प्राण प्रिय अस बिचारी भजु मोहि परिहरिया सब। कहते हैं कि हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, पवित्र यानी अनन्य और निष्काम। पवित्र यानी अनन्य, अनन्य समझत है जेकर कभी जोन हो कि श्वास टूटे न, निष्काम जेकर अंदर कोई कामना। ऐसे सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारे। बात आओ तो समझ में, कैसन सेवक? निष्काम, पवित्र। तो ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हो, चाहे काक भुसुंडी जी से कहे, चाहे सरजू भाई से कहे, बात एक कह बा गणेश जी से कहे, चाहे पंचम भाई से या राम खिलौन भाई से या निषाद भाई से, बात एक कह बा। तो साफ साफ कह रहे हैं कि यस बिचारी भजु मोहि अपरिहरियास भरोसे सब। ऐसा विचार कर, सब आशा भरोसा छोड़कर मेरा निष्काम भजन कर। ठीक ने? तो कहे कि गुरु पेटवा अगर कौआई तो न कह कि रोटी लियाओ रे, कुछ नहीं, इच्छा भी उत्पन्न करे के नहीं बा, शरीर छूट जाए छूट जाए। आशा कर ले तो मामला ठीक और जब ये संकल्प ले लेबे तो भगवान परीक्षा ले है, माया के खूब ऑर्डर करी है तो के तड़पाई जरूर, इहो जान ले जाने परीक्षा होई जाने। यही से धनई में ऐसे ही पड़ा रहा शरीर 4-5 दिन तक, कहीं कुछ नहीं। बाद में सुनने में आया कि लोग कहें कि जैसे कोरत आए वैसे भूकत आए। ठंडी पर कहा कोई मतलब, बाद में वो है वासुदेव भाई, आशा के जगह नहीं बताओ तो भाई कि एक इच्छा भी अगर उत्पन्न भेल तो शंकर जी से विरोध हो जाए। भाव के देखो तो मनवा दे दे, मनवा में नहीं इच्छा आवला तो मनवा जब दे देना तो इच्छा बदे जगह कहाँ बा? ये ना गणेश जी, समझे में कोनो दिक्कत बा? तो ऐसा विचार कर, सब ऐसा भरोसा छोड़कर मुझी को भज, क्योंकि वही है नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन तापो ना शोषित मारुता। ना तो उसको शस्त्र भेद सकता है, यानी कितना बड़ा बड़ा मिसाइल बना हुए हैं, आत्मा को भेदने के लिए कोई मिसाइल नहीं है। नैनम छिदन नैनम दहति पावक, न तो अग्नि जला सकती है, अग्नि तो सेवक है, यानी यही से हनुमान जी कहाँ जले थी। तो ना तो समुद्र गीला कर सकता है और ना तो जो है हवा सुखा सकता, वो अजर और अमर है और वही आपका असली स्वरूप है। ये शरीर मात्र साधन है, अगर बुद्धि हो तो इतना कर लीजिए, नहीं हो तो अपने आप को बेवकूफ समझ के जाइए, मोह माया में रहिए। ये ना गणेश जी, ठीक
तीन ठे घास निजावे के ताकत नहीं बा सरजू भा। हाँ अब कहिए किसानी कहिले हमरे के यहाँ 32 बीघा जमीन हो, कुछ नहीं हो जने कुल भगवान कहो। जब तीन ठे घास निजावे के ताकत नहीं बा तो का किसान भाई है क्या? कि प्रभु श्री राम जी तो सीधे कहते हैं किष्किंधा कांड में कि कृषि निरावही चतुर किसान अजिम बुध तजही मोह मद माना। एको बाणी न मन बाउ सेवक, अगर सेवक है तो स्वामी के बात मन बे ने, अगर उनका बात नहीं माना था तो किसका का सेवक है? ठीक ने तो पक्का हो गल गणेश जी? यदि पक्का हो गल जने तो कबहु काल न व्यापी तो ही असुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोही। तुझे काल कभी नहीं व्यापे जने, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। देखा अगर वहां से पक्का बात यही बात पक्का बा ओकरे आगे, ठीक ने? तो प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊ अतनु पुलकित मने यति हरसाऊ। तो प्रभु श्री राम जी की बाड़ियों की अमृत, ये क्या है? बाड़ियों की अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता। नहीं, इतना बड़ा चीज मिल गया है, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत हर्ष हो रहा था। जने तो हो रहा था कि वो हर्ष कभी गया? ठीक ने? अब देखा जे निरंतर प्रेम करे वाला मिल जाए, बीच में झोकी झोका नहीं बा तो वहां प्रेम लगी बे कि झोकी झोका वाले में प्रेम लगी बे? देखो सरल बात तो बा पंचम भाई, तोरे प्रेम में झोकी झोका होला कि नहीं? नोक झोक, नोक झोक नहीं हो? कहा सुनी हो रहा ने? और यहाँ नहीं हो, भगवान जके एक बार जगह दे दें या ने? अब भुवनेश्वरी का अनुराग के जो है जीवात्मा धाम में पहुंच चुका बा, उन्होंने बेचारे क्या पता बा कहे कि अब कपटी संसार बा, लेकिन अब वह जोन विश्वास का आधार बा, अगर ये बाड़ी गणेश जी पहुंचा दी है तो उन्होंने समझ में आ जाई। वीरेंद्र जी बहन इंडोनेशिया में उनकर पहुंच चुका बा, सब समझत है। कहे कि रविशंकर के शरीर में यह तो रहा कि कभी विश्वास के धोखा नहीं दे, और वही का परिणाम आज देखो तय सफा सफा बने गणेश जी। अब सुनो, हर बात मुंह से नहीं बोल पकोता है, जो अनुभव होता गणेश जी एक बाणी के माध्यम से पक्का पक्का लिख पाइबे है? नहीं ने, बाणी के पास उतागत शब्द न मिली ने। तो सुनो बड़ा मजेदार बात बा, जौन सुख मिला का घुसुंदी जी के, बड़ा तगड़ा मोह भरा था, कुल ब्रह्मांड घूमे दो घड़ी में, लेकिन बाद में जौन सुख मिला तो सो सुख जानै मन अरुकाना और नहीं रसना पही जाई बखाना। जने
तो वह सुख मन और कान ही जानते। देखो कान सुने बा और मन तक पहुंचा बा, लेकिन ओकरे पास जीभ नाही बा। कान के पास जीभ बा, मन के पास हाँ इसीलिए जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। जीभ से वही बाड़ी से मन और कान के पास जीभ बा, नहीं नहीं ओकर सुख वह जाना था जो सब करे वहां का जाल है का मिला ला मैं का तो के बताई एक से बजे शब्द नहीं नहीं हो सकत। नहीं और प्रभु शोभा सुख जान ही नयना कही कि मिसा कही ती नहीं नहीं बयना। और जो प्रभु की शोभा का सुख है जो आंख के द्वारा देखा जा रहा वह नेत्र को पता है, पर वह सुख नेत्र तो जानता है लेकिन वह कह कैसे सकता है, उसके पास बाणी तो है। तो कान मन और नेत्र तीनों के पास बाणी और वही का सुख आप लोग प्राप्त करता है या नहीं। तो सरजू भाई के कुछ नहीं मिला तो कहें कि न तो कोई भैल बा न तो बा न तो वही अपन इतना कह के कुछ आइडिया अपन देह समाज के पूछे पर कहे कि एकदम अलग बना है। अब आत्मा रूप में कहाँ कामना से मुक्त कहाँ प्राणी बहन ने कोई बात नहीं एके समझो बाना बड़ा अच्छा। अब कान सुने बा मन जाना था आंख देखे बा, अब एके बाणी के माध्यम से कहना संभव कह नहीं सकते। तो गणेश जी तू कितना कोशिश करो तो बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई अलगे करण शिशु कौतुक तेई। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझा कर समस्त सुखों से तृप्त करके फिर प्रभु वही बालकों वाली खेल करने और न तो जो है तीनों भाई के पता बा न तो उनके माई बहू के पता बा, इतना खेल हो गया ये न। अब इतना कुछ तो हो गल बा के बता सकल है, कोई के बताऊ तो नहीं सकते पूरा पूरा ये न। इतना खेल करे के बाद जाने ऐसे ही इस शरीर जहां भी रहे फोन पर कोनो न कोनो माध्यम से सब बाणी भुवनेश्वर में पहुंचत रहे। वीरेंद्र जी के भी पहुंचत रहे सब ही के माने हाँ, जबकि सांसारिक दुनिया में संभव नहीं बा कि कोनो बात अगर नारी योगिनी नहीं बा ओके बतेबे तो उस टोन हो तीतर बितर कर दे। लेकिन अब उस समर्पण बा मन से भुवनेश्वरी के तो उन्हें पूरा बाड़ी पूछा था कि देखो यही स्थिति बा बात बा मैं का बा अभी थोड़ो बा कि जहाँ जो अब कुआं के बाहर निकल बा गल बा तो कूद बे वही कुआं में यह न। यही कहीं से कहो कि अब सूर्य के कहाँ छिपे बे कभी सूर्य भगवान के को लगोटा पहनाए बा कल्याण हो भाई कल्याण हो जाने। इतना लीला करे के बाद सजल नयन कछु मुख करी रूखा चितई मातु लागी अति भूखा जाने।
तो खेल करते हैं और नेत्रों में जल भर के, आंसू भर के, मुंह को कुछ रूखा करके माता कौशल्या जी की ओर देखते, माने मुख की आकृति और चितवन से माता कौशल्या जी को समझा दिए कि मुझे बहुत भूख लगी, इतना लीला होएगा जाने। माने उन्हें कहे के नहीं पड़ा कि हमें भूख लगा हो, ऐसे ही आंस भर के जो ना ईश्वर रुखा देखे कि समझ गए माता जी। तो देखी मातुआ तुर उठी धाई, अ कही मृदु बचन लिए उर लाई। यह देखकर माता कौशल्या जी तुरंत उठ के दौड़ी, ठीक ने, कि बचवा के हमरे भूख लगा, और कोमल वाणी कहकर श्री राम जी को अपने हृदय से लगा, गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना, और गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते समय श्री राम जी की जो सुंदर लीलाएं हैं उसको गाने लगी, ठीक ने। आज सा देखो प्रचलन न हो, बस कैसे दूध पियावा, न न पिया तो दूध थप्पड़ मारो, वो बाल चरित्र बहुत काम। में जने कुछ लोग कहने कि गुरु इतना व्यवस्था बा तो कहते एक जाई जो है कि आश्रम बनवा के रह चाहिए, भक्तन के कमी कहाँ बा जने। ही जोन सुख बा आश्रम में जीवे तो फौस न जीवे। तो शंकर जी ऐसे कह रहे हैं, तो जे ही सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुख द, अयोध्यापुरी नर नारी तेहि सुख मोहु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुर राक्षस के शत्रु श्री शिव जी अशुभ वेश धारण किए नहीं, ऐसा बहन क्योंकि लगी जाई दोनों ही आनंद में मस्त ने। अब जकड़े क्या को पैसा कौड़ी न रही, पेड़े तो रही तो कोई क्या के जाई, तो वो अपने आनंद में नहीं। अब यह बात भाई आनंद जिके मिली वो न जानी पंचम भाई, बाकी तो लोग गुलाब जामुन खाए में खाली मस्त बाए, नहीं लड़का लोग जलेबी और बड़का लोग गुलाब जामुन। माने कह के तात्पर्य कि यह भोग विलास के वस्तुओं में नहीं, जबकि लक्ष्मी के जितना सुख बा जो लक्ष्मी से सुख आवता ओकर उल्टी की तरह त्याग होएगा बा, यहाँ यहाँ तो होएगा बा। ठीक ने, और लोग लक्ष्मिया के चक्कर में देखिए निगम नेति शिव पार न पावा, वेद पुराण और भगवान भोलेनाथ भी जिनका पार नहीं पाते, और माता कौशल्या उनको गोद में लेके दूध पिला रही,
अब देखिए भक्ति में कितनी बड़ी ताकत है ना, ये ना। और उस सुख में अयोध्या पुरी के नर नारी निरंतर मग्न रहते, जो परमानंद में बा तो हिंसा कर जाई। और इधर का स्थिति बा कि सब झगड़ा कर लेते हैं महंत बने बदे ने। और बाद में उन्होंने की जगह जन्म कटवा के मुझे आना ले राम खिलान भाई तो नदियां कहीं है भाग यहाँ से, लेकिन राम जी भाई कहते हैं तो सब है ऐसे ही बात है। हाँ, और देखा जितना जन नाम करा के चक्कर में करे बात, देखा सबका अब समय आगल बात है। ते सुने बाय कि न ब्रह्मा तक का पद अब जगह नहीं, तो ऐसे कैसे होगा राम खिलौन भाई, ये प्रश्न ही न है। यहाँ तो इंद्र के पद पावे बदे लोग सौठे मेघ यज्ञ करे के नाटक करते हैं नहीं, और यहाँ ब्रह्मो का पद नहीं लेना, बता ऐसे कैसे भैया, एक प्रश्न आई न। तो देखो ऐसे ऐसे भयल कि जे सोई सुख और सोई सुख लवलेश और सोई सुख का सोठा बना और सोई सुख लवलेश जिन्हें बारक सपने हूँ लहे जने, असोई सुख लवलेश जिन्हें बारक सपने हूँ लहे अते नहीं गनहीं खगेश ब्रह्म सुख ही स जन सुमति। उस परमानंद सुख का लवलेश मात, लेस मात नहीं, लेस से भी थोड़ा वाला लवलेश, जने जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया हो, जने सपने में, हकीकत में हो नहीं, सपने में। का घुसुंडी जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उस परमानंद के सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते, याने माने ब्रह्मा तक का भी पद नहीं चाहते। एक अर्थ बाकी वो मिला हुई तब नहीं। सरजू भाई तू कह रहा था ना कि सपने में भी नहीं देखे भाई गुरु, तो नहीं देखे भाई ऐसे कि जो ना तू मायावी रह ले। एक बोले देखा पक्का पक्का कर तो सब हो ही, यही चिना से त्याग। और रे आनंद के कहां सीमा बा महाराज, अब चिंता मत करो, जितना जीवन बचा बा कुल यही आनंद में बिताओ नहीं। देखे ये रहस्य के बात रहा, लेकिन अब भाव बाप भक्ति के ऐसे तो कोई न समझे कि इनकर मन भ्रमित हो गया।
कहें कि सबके तो यह समझ में आई कि लड़की गुलाब जामुन हवाई जहाज के अच्छा न लगी, सबका बुद्धि तो यही में जाके फंसा बा है। और यहाँ बाकी ब्रह्मा तक के पद के कहीं मतलब नहीं, कहे कहे कि भगवान को उतना बड़ा कृपा मिले कि अपने से लगा ले, ठीक ने। अब उत्तर मिल गया कि कहे बदे कुल पद का त्याग फल एकरे बिना नहीं हो जने। अब उकरे लिए अब साधना कर जा, ऐसा मेहनत करो जने। तो मैं पुनी अवध रहे कछु काला, देखे बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद बांदिनी जाश्रम आयो। उसके बाद मैं कुछ समय तक अयोध्यापुरी में रहा और श्री रामचंद्र जी की रसीली बाल लीलाएं देखी, ठीक ने। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। भक्ति का वरदान खाली एक श्री राम जी के अलावा कोई देवे वाला, कहे कि भक्ति श्री राम जी का प्रेमिका हो और वो कोई का प्रेमी नहीं है यो जान ले, और प्रेमिका वहां तक पहुंच जाला याने वो किसी के प्रेमी नहीं है। याने वो नहीं पक्का भाव रही तो याने एक आध साल पहले भुवनेश्वर से अनुराग का SMS आल हल मोबाइल पर, अब तो मोबाइलों नहीं बा खत्म हो गया। तो लिखे रहा कि आपके आशीर्वाद से अब हम लोग बुद्धि से एकदम स्ट्रांग यानी मजबूत हो गए और बैराग हो गया याने सबके, कहे कि अब अनुभव के बाद बने, अब अनुभव में भी एक को छोड़ बदे देखे इतना दिन से शरीर बा, एक को छोड़ बदे ऐसा ना चित्त में बात बैठा बा कि इन कुछ लूट के जाए वाला बा, ऐसा तो आई नहीं सकत, तो अनुभव के कोई काट नहीं सकत। तो फिर देखो यह सब जब बढ़िया चरित्र हुई तो इससे सभी के ऊपर प्रभाव बढ़िया पड़ी, एकर घटिया तो कहीं हो नहीं सका, बस इतना रहला कि पक्का हुआ के पड़ाला जने। भूख लगा बा देखो ता धुआं उठोता तो ऐसा लगला कि खाना बनत हुई जने, लेकिन खाली ऊपरिये सुरगोता जलत नहीं बा तो भात वोत मिले वाला, और मिलबो करी तो कच्चे और उसे जनो कि पेट का भरी तबीयत खराब हो जाए, नहीं यह हाल बा। कोई अब इतना पक्का बना नहीं, शिव स्वरूप में आयल नहीं, और वह कुल कच्चा कच्चा खा के देखो यह कपट लालच भरे बहन, और कहिए कि ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मुक्ति हुई, ये नाटक करता है कि ये न ध्यान दे, इतना कुल बात करत हैं तो कर ही नहीं बाकी खाली ऐसे ही पति आवत हैं। पक्का पक्का अगर शिव जी का सेवक बाए जाने तब इतना फैसला बा गणेश जी कि तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया जाने। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी मुझको अपनाए तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी।
नहीं, गणेश दुबे से कह रहे इनको उन्हें बताओ कि आखिर क्या उनके मन में हो। तो यहाँ स्थिति बा आप जान ले, आज जौन वेद मार्ग के द्वारा शादी वगैरह नहीं हो तेमें तलाक शब्द के लिए कहीं जगह तलाक का संस्कृत होबा नहीं करो, तलाक का संस्कृत होता ही नहीं। ये कुल विधवा विवाह ये सब ड्रामा जो रचे हैं सब, ये सब प्रपंची लोग हैं, ये कोई समाज सुधारक नहीं है। ले तो समझो, ये जो सब समाज सुधारक हैं यहाँ कुछ नहीं, अब जनबे कर ले कि सीताराम जी के शादी जो हो वो सभी मंगल का मूल हो, जाना लगे नहीं, सभी मंगलों का मूल अच्छा इकबाल खान का अंतिम दुहा हुई का यही में देखो इंद्र का कल्याण भा रहा है नहीं। बा कहीं इतना बा कि श्री रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गा वही सुनही अतिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री राम जी का विवाह प्रसंग जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए हमेशा आनंद ही आनंद रहे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश सभी मंगलों का घर जने सभी मंगलों का आम आम माने घर। तो समझ में आया, तो प्रभु के चरणों की वंदना करके काग भुसुंडी जी अपने आश्रम यानी सुमेरु पर्वत के पास चले आते। देखा जौन गुप्त चरित्र बा, ठीक ने, यहाँ से छूट के जगह नहीं बा कहीं, पक्का पक्का जौन चरित्र बा सब जाना पूरा का पूरा जाना, उसे कुछ लेना देना बस तागत होगा तो तीन से घास कोई निरा के देखा वो, अगर तीन से घास नहीं निरा होता तो यहाँ जगह सरजू भाई तो समझ गए, ठीक ने। देखे समझे कहा अर्थ यह होला कि चरित्र में आ जाए के समझ ले, तेकर अर्थ यह बात सरजू भाई। अब बिल्कुल जो है कि बिल्कुल सरजू बने तो गणेश जी नहा तो श्री गणेश करे, कहे कि अब इनमें कोनो याने रामा अवतार में तो इतना जो कि लक्ष्मण जी सीता जी और बंदर भालू सब साथे रहे, और यहाँ देखो शरीर साथे के बा और देखा कुल अपन फूल बांध करके जौन देखता है नहीं सुबेलू पर्वत पर आके बैठ ही गया है सब वो जौन हो, ठीक है बड़ा हाँ भाव देखा। अच्छा ये युक्ति लगा के ही काम हो सकला, कोई अगर युक्ति लगा के सोचे कि ऐसे करो तो ऐसे होई, तो राम जी भाई दूसरी रोटी मतलब लेके आई है टिफिन में, वही युक्ति से वही सब सब भाव कर जाने
तो देखे अब जब श्री राम जी अपना ले तब तो माया व्यापे के न चाहे देखो पक्का वहां से बात बा मत समझे कि भूल जाइए कुछ ठीक न देखा मतलब कि हर्ष और विषाद न होए के निष्काम सेवा निष्काम भजन आप बदे खाली निष्काम भजन निष्काम सेवा गये जौन कर्म कर ला कुल शंकर जी के देखे कद कुछ नहीं यहाँ रोटी मिलेला खाता है जो भगवान के भजन कोनो दिक्कत बा तो यह सब गुप्त चरित मैं गावा हरि माया जिमी मोहि न चावा जने देखा प्रसंग यहाँ आकर के पूर्ण यह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा देखा इन्हों के जीवन में जौन गुप्त रहा ने अब वो समझ ले कि चित्रकूटे रहा कृष्णानंद जी के घर नहीं मनावे बदे अयोध्या से आई लेकिन अब कहा जब चरित्र आगे निकल गया तो फिर कैसे हुई फिर कलंक लेबे जने तो माया ने जैसे मुझे नचाया था वह सब गुप्त चरित्र मैंने जय श्री राम जय श्री राम।